नाइट कर्फ्यू के दौरान अब सिरसा पुलिस पूरी तरह से सख्त हो गई है। यदि आप भी बिना किसी काम के घर से बाहर निकल रहे हैं तो सचेत हो जाइए, कहीं ऐसा न हो कि आप पर पुलिस का डंडा चल जाए। शहर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने नाइट कर्फ्यू के चलते शहर का राउंड लगाया। राउंड के दौरान घंटाघर चौक पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई और लोगों को कर्फ्यू के बारे में समझाया गया। ये COVID-19 की महामारी के मद्देनजर हरियाणा सरकार द्वारा जो कर्फ्यू का जो रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का जो टाइम निर्धारित किया गया है, तो पुलिस मुस्तैद है, प्रॉपर गश्त कर रही है और घूम घूम के लोगों को हिदायत दे रही है कि 10 बजे के बाद ना निकलें, सरकार द्वारा घोषित दिशा निर्देशों की पालना करें। और जो आदमी हमें व्यर्थ में घूमता, अनावश्यक रूप से अपनी दुकान खुले किए हुए मिलेगा या घूमता मिलेगा, उनके खिलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। कई लोग ऐसे हैं जो किसी आवश्यक कार्य से निकल रहे हैं, जैसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए निकल रहा है या कोई लोग घूमने निकल रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इन चीज़ों का भी पता नहीं है, एक तबका कुछ ऐसा भी है, तो उनको समझाया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है बार बार। और अब भी अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ फिर कानूनी प्रावधानों के तहत 188 IPC के तहत कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार के आदेश है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की पालना हो, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो लोग इन हिदायतों को नहीं मानते उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी TV।